पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इसने पैदा करके मुझे दे दिए हैं। राखी बांधने के लिए तरसता था, जोकर बनी हुई है। मुझे नहीं पूछता कोई भी। हाँ। एक बात बताओ, मेरे आगे पीछे है कौन? माँ बाप पहले चले गए, चीरता हुआ जाता है कैसे चक्कू जा रहा हूँ, उड़ती फिर रही है। पायल की अभी अभी तबीयत खराब हो गई, अटैक हो गया उसको। बहुत मुश्किल काम है माँ बनना। बादल जी है, उनका स्वर्गवास हो गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नीचे सही लग रहा है, कोई ठीक हो जाए, टेंशन मत, ठीक है। पायल क्या हुआ? टांगों में दर्द हो रहा है। जंप मार के खड़ी, यहाँ घासी से जान निकल रही है, अब जंप की बात कर रहे हो। हाँ भाई, क्या हाल है सबके? सब ठीक ठाक है? खुशियाँ ही खुशियाँ देखो चारों फैली भूखे। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भैया रिपोर्ट ये है कि पायल पहले जागती थी प्रेगनेंसी को लेके, अब जागा करेगी बच्चों को लेके। तो मुझे लगता है कि 2-2.5 साल इसके ऐसे ही निकल जाएंगे, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं भैया 2 अपना मेड रखने वाला हूँ घर पे, और इसको फुल ऐश करवाने वाला हूँ। इसने पैदा करके मुझे दे दिए है, तो भैया ये मेरी किस्मत है। हाँ भाई लड़की जी, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तू पूरा सोना तेरे को, ठीक है? ठीक है। जो तेरा काम है ना, सिर्फ अपना फीड कराया, उसके बाद सारा काम मेरा मम्मी है ना। अब ये लगा लो कि जैसे ना चीकू ना कभी कभी क्या होता था ना, राखी बांधने के लिए तरसता था। हाँ। तो वो चीजें हो गई है ना, सुबह उठ के बहन राखी बांधेगी, चीकू गिफ्ट देगा, और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि भाइयों में अकेली बहन प्रिंसेस है भी सबसे छोटी। हाँ। क्योंकि अयान से 1 मिनट बात ही हुई ना, तो वो तो छोटी, सबसे छोटी हुई ना सर। छोटी तो छोटी होता है, चाहे सेकंड हो, सब लोगों का प्यार है। बहुत सारे लोग कमेंट आ रखे थे लड़की होगी, कोई कहता लड़का होगा। तो भैया बस हमारी फैमिली कम्प्लीट हो गई है, और फुल मजा आ रहा है। बैलून देख रहे हो आप चारों साइड, ब्लू व्हाइट पिंक, व्हाइट होते हैं शांति का प्रतीक, और पिंक होते हैं बच्चों। तो हमारे बच्चे अभी निको में शांति से सो रहे हैं ना। हाँ ठीक है, शांति से सो रहे दोनों। कितनी भी बड़ी सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हो गई हो, ये लड़की ना बहुत सिंपल रहती है। अभी भी देखो कैसे जोकर बनी हुई है। इसने कभी फैशन नहीं किया मम्मी, देखो आज जो मेहनत कर रहे हैं ये पायल गोलू कर रहे हैं, इनकी जोड़ को ना दुनिया ना सलाम कर रहे हैं। यार दुनिया में ये भी है, ऐसे भी दो लड़कियां हैं। अगर ये दोनों ना हो ना ब्लॉग में, हाँ, तो ब्लॉग की जान नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पूछता कोई भी। मैं तो भैया देखो आपकी अलग ऑडियंस है जो आपको बहुत पसंद करती है, और बोलती है कि अरमान जी जितना प्यार करने वाला क्या करने वाला हस्बैंड सबको मिलता है। एक बात बताओ, मेरे आगे पीछे है कौन? तुम ही तो हो, माँ बाप पहले चले गए, एक दूसरे का सहारा ही होता है सब कुछ। और जिस दिन ये चीजें समझ आ जाएगी ना कि हाँ भाई फैमिली के अलावा कोई नहीं है, और फैमिली है, उस दिन आप अमर हो जाओगे। ये बातें आ जाएंगी, आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगी। कुदरत समझा देती है तुम्हें कि हाँ ये चीजें हैं। इंजेक्शन लगा उसमें दर्द नहीं हुआ, रीढ़ की हड्डी? अरे इस बार का ना इंजेक्शन लग तो एक ही बार में गया, पिछली बार तो 2 बार में लगा था ना। ऐसे 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 चीरता हुआ जाता है जैसे चक्कू जा रहा हो। और फिर पता क्या हुआ, उन्होंने पूरी बॉडी पे ना बीटाडीन लगाई यहाँ से लेके नीचे तक, और सिप्रेट वो लगाया। तब तक मेरी बॉडी मुझे पता चल रही थी कि ऐसे 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 वो। तो मैम जैसे मैम कट करने लगी ना, मैंने कहा मैम अभी मेरी बॉडी में सेंसेशन है, कह रही पर तुम्हें फील नहीं होगा कुछ, मतलब जैसे छू रहे थे तो पता लग रहा था, पर कह रही तुम्हें फील नहीं होगा, मैं कट करूंगी फील नहीं होगा, पर फील नहीं हुआ। फिर तो जैसे जैसे करा 7 बजे उन्होंने कट किया, 7:01 पे तो निकल दिया। चुंबक 5 मिनट के अंदर बच्चा बाहर था, दोनों बार है ना। सच में ना डॉक्टर नूपुर बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर है। अभी देख लो गोलू को 22 दिन हो रहे हैं और वो उड़ती फिर रही है, उसको महसूस ही नहीं हो रहा। जैद को भी संभाल रही है, मुझे भी संभाल रही है। अब चीकू को सुबह स्कूल जाना है, तो यहाँ से कही है, कह रही है इसको सुलाऊंगी पहले जाके। तो एक बहुत अच्छा से सब कुछ मैनेज हो गया ना, उसका ऑपरेशन इतने अच्छे से हुआ कि वो खड़ी हो गई है। पायल बैठी है, मम्मी और पायल सब बातें बातें कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा बाहर घूम के आता हूँ, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। ओके बाय बाय। तो गाइस अभी अभी मैं और सफी भाई बात कर रहे थे कि जैसे अभी मैं बोलूँ किसी को कि 4 बच्चे में मुझे प्राउड है, तो भैया प्राउड माँ को होता है, आदमी को नहीं। आदमी तो चलो भैया फिर भी पैदा माँ करती है, 9 महीने माँ रखती है, पूरी जिंदगी माँ पालती है। प्राउड मुझे लगता है कि बाप को तब होना चाहिए जब उनके लिए कुछ कर दे जीवन में बड़ा, कि हाँ बे लो बे बेटा अब तुम्हारा फ्यूचर सेफ है, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, नौकरी लगवा दी, उसके बाद बाप को प्राउड करना चाहिए। ये मेरी सोच है, बाकी हर किसी की अलग अलग सोच होती है। सफी भाई आप बताओ। नहीं यकीनन भाई, अगर देखा गया है ना तो 100 में से 99% जो रोल है वो माँ का होता है, और 1% जो है ना फादर का होता है। अगर उसने जो है ना उस बच्चों का फ्यूचर सेट कर दिया तो फिर ग्रेट है। नहीं ऐसा नहीं होता, जैसे जैसे मैं ही बोल दूँ ना, 4 बच्चे देखो मैं कितना फिट हूँ, मैंने किया क्या है? मैंने कुछ नहीं किया भाई। ये प्राउड पायल गोलू को करना चाहिए कि हमारे 4 बच्चे हैं और हम फिट हैं, क्योंकि बच्चों के बाद वो फिट होना वो उनकी जर्नी है, हमने कुछ नहीं किया। हम तो सिर्फ ये है कि बाप का फर्ज निभाएंगे यार, उनको एक अच्छी लाइफ दे सके। बाकी आप बताना मुझे, मैं गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ?
गाइस अभी बस थोड़ी देर बाहर घूम के आए हैं और शायद टाइसन भाई आए हैं मिलने के लिए, तो बस अभी दोबारा जा रहे हैं पायल से अलविदा लेने के लिए कि सुबह आऊंगा, क्योंकि यहाँ पे सपना भी है, मम्मी भी है, मेरा कोई काम नहीं है क्योंकि जगह भी नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है, दोबारा आ जाऊंगा जब भी काम होगा। तो पायल की अभी अभी तबीयत खराब हो गई, तो बता देती मैं यही तो था, 2 मिनट पास में तो था, राहुल को बुला लिया था, राहुल से दवाई मंगाई थी, मुझे बोल देती यार, खांसी आ गई थी बहुत तेज, दर्द हो गया नीचे आंखों में, है ना। नहीं नहीं फिर मैं कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। नहीं नहीं आप जाओ, सोए नहीं कल से ढंग से, कोई बात नहीं सो जाऊंगा, सोना जरूरी थोड़ी है। अब तो मैंने मंगा ली, टॉफी मत रखियो। अभी अभी क्या हुआ था ना कि वो नहीं थी भवानी, उसका ना वीडियो आया, मैं दिखाता हूँ, उसने टॉफी खाई आज, मोला सांस वाली नाली में फंस गई उसकी, सूती सूती ना खाई, नहीं नहीं बैठी बैठी ने, आउट ऑफ सर्विस होगी वो, इसलिए होगी वैक्यूम की तरह खींच लेते ना, नहीं ऐसे कह रही थी वो फंस गई वहाँ पे, अटैक हो गया उसको, मैंने अनिटल जा रही है तो थोड़ा शांति हुई, वरना तो इतना बुरा हुआ था हाल मेरा, बहुत बुरा हाल हुआ था। ये अभी अभी पाल की ड्रिप नहीं चली थी, डॉक्टर निष्ठा ने इसको ठीक कर पाए, आप नर्स थे नहीं, और मुझे पता है क्योंकि मेरे भी ऐसे ऐसे करते थे ना वो। अच्छा देख ले पाल, ज्ञान देख रही छोरी का, खुल गया है, बंद हो गई थी अभी, अभी चल के। तो भैया बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट दे के गए हमारे टाइसन भाई, तो घर जाके इनकी अनबॉक्सिंग करता हूँ मैं अभी, चलो। बड़ा मेहनत का काम है बच्चे पैदा करना, मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए, अभी जो हालत है ना तुम्हारी कसम देखा नहीं जाता, 9 महीने परेशान रही, अभी कम से कम 2-4 महीने परेशान रही, फिर 2-4 साल परेशान रही, जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, बहुत मुश्किल काम है माँ बनना, जा रहा हूँ मैं, बाप बनना नहीं है, बाप तो बन जाता, बाप को बाप तब समझा जाता है जब बच्चों का फ्यूचर सेव कर दे, और माँ शुरू से माँ बन के चलती है, बाप तो कोई भी बन जाता है, उसको कोई छोटी बच्चे को कुछ भी होती है दुख तकलीफ, तो सबसे पहले बाप ही घबराता है, माँ फिर भी अपने आप को बात नहीं कर रहा, देखो वो बाद की बात है, पर वो जर्नी 9 महीने पेट में रखना, फिर उसको पालना, रात को दूध पिलाना, अभी जो तू फील कर रही है, जो स्टिचेस है, हर चीज तो तू ही सहन कर रही है ना, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो अपना इधर उधर घूम रहा हूँ, पर मेरी तकलीफ में जब आप भागते हो तो वो भी तो होता, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात ही नहीं समझ गई, मैं आपकी बात समझ गई, पर दोनों का बराबर होता है, यहाँ से एक बेबी न्यू बॉर्न की आवाज आ रही है वहाँ से, आ जाओ यार, इतना सामान है ना हमारे हॉस्पिटल में, हम ऐसे लगा था कहीं पिकनिक पे आए हुए, बाकी हॉस्पिटल में इतने लोग अलाउड नहीं होते, तो ये हमारा घर जैसा हॉस्पिटल है, जिंदगी में ना इतने चक्कर पहली बार काटे मैंने हॉस्पिटलों के, और वो भी दो दो बच्चे होने के बाद, नहीं तो मुझे कभी याद भी नहीं है मैं कभी हॉस्पिटल गया था सपना, है ना, 9 महीने हो गए ना पूरे, और अभी तो और भी होगा, बच्चे होने के बाद खांसी होगी, तो यहाँ लेके आना, खांस नहीं आ रहा, हल्का फुल्का तो आ गया, बुखार हो गया जी, इस रोटी नहीं खा रहा, इसको भूख नहीं लग रही, पता नहीं क्या क्या चीजें होती है। तो गाइस फाइनली कैमरे वैमरे भी लग गए हैं, अब थोड़ी सी सेफ्टी और हो जाएगी, गेट के बाहर का कैमरा हो गया है और बहुत सारी चीजें हो गई हैं। तो गाइस रात के ऑलमोस्ट बच गए हैं 1 और बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, और मुझे पता है पायल को भी वहाँ पे नींद नहीं आ रही, 2 बार पायल को फोन कर चुकी हूँ, अब मैं सोच रही हूँ अगर फोन करूंगी डिस्टर्ब ना हो जाए, बस कल का वेट है, कल बेबीस आ जाएंगे पायल के पास, तो फिर सबसे पहले जाएंगे मिलने, तो अभी सोने की तैयारी करते हैं, आंखों में बहुत ज्यादा नींद है, तो सुबह मिलते हैं आपसे, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग, तो अभी सुबह सुबह कौन आए हैं, हमारे बड़े भाई साहब पहुंच गए हैं, क्योंकि आना तो इनको कल ही था पर बहुत सारे काम थे, भाभी नहीं आए, बच्चे नहीं आए क्योंकि उनके पेपर हैं, तो बस अभी चाय पीते हैं उसके बाद जाते हैं हॉस्पिटल। तो गाइस चीकू सुबह सुबह जैसे स्कूल पहुंचा तो वहां पे जो हमारे माननीय बादल जी हैं उनका स्वर्गवास हो गया, तो उसकी वजह से छुट्टियां कर दी है, तो चीकू अब 2 दिन घर रहेगा, और बस हम यही बोलना चाहते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और उन्होंने बहुत कुछ किया है समाज के लिए, तो बस यही है कि बहुत ही वो अपना अच्छी जगह में वास करे और सबको ऊपर से आशीर्वाद। चलो मम्मी के पास चलने, चलो पापा मैं तो सुबह ही चला गया था, मिला था मम्मी से, हाँ जी सुबह ही मिलाया था मैं, तो अभी चलना दोबारा, आ जाओ बहन भाई आ गए होंगे घर पे, वहाँ पे मम्मी के पास आ जाओ, मामा कपड़े पहन का तो, अरे ये स्मार्ट ही तो लग रहा है यार, मैं भी तो ऐसे पहन रहा हूँ, देखना मैंने भी निक्कर विक्कर पहनी है, चल अच्छा तो लग रहा, चलो आप पापा नीचे जाओ, मैं आता हूं, मेरे कपड़े पहन, अरे सही लग रहा है, ओए इधर आ मेरे लाल, इधर इधर मैं बेटी, एक बार मिला दूं मम्मी से, फिर आके नहा धो के चल पड़ेंगे वापस, चल ठीक है चल। तो मौसम भैया बहुत ही ज्यादा सुहाना है, मेरा दिल था ऊपर जिम करने का, पर मैंने सोचा चलो पहले हॉस्पिटल जाके आता हूँ, उसके बाद कार्डियो कर लेंगे, ये वर्कआउट भी बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, क्योंकि 2 दिन पहले से मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा थक गया हूँ, कभी हॉस्पिटल कभी घर कभी ब्लॉग, बहुत सारी चीजें होती है ना भाई लड़के, हाँ जी मेरी मैं भी मेरी रात तो आपसे भी ज्यादा अच्छी होती है, पहले ट्यूशन फिर स्कूल फिर मम्मा के पास जाना, उसके बाद सोना, उसके बाद सोना, उसके बाद नीचे खेलना, नीचे खेलना, कपड़े पहन लेता तो सुबह सुबह कुछ और पहनता ही नहीं है, खुले खुले कपड़े पहनता, पर इसकी डिमांड भी नहीं रहती, पर ये कि मुझे यो बनना है ना,
क्या बनना? कल ना क्लब में जाएंगे, क्लब में ना वो वाले जूते पहन के जाऊं। तो भैया हम फाइनली हॉस्पिटल में आ गए हैं, रूम के बाहर हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब बच्चा होता है तो एकदम अंदर नहीं जाते। तो अभी हम 5-10 मिनट बाहर बैठेंगे और हमारा जो है अयान मलिक तो आ गया है, तूबा भी नीचे है, पता है? हाँ, तूबा भी नीचे। हाँ, क्योंकि तूबा थोड़ी सी ना कमजोर है तो उसको एक दो दिन शायद और निक्को में रखा जाएगा। पर अयान पहुँच गया अंदर। देखो भैया, देखो खुश हो रहा है, देखने का दिल कर रहा है बड़े जल्दी। मेरा भी कर रहा है। पैसे लगेंगे? पैसे नहीं है। तो भैया पायल मिल चुकी है अयान से। आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ। हाँ ठीक है, तू क्या दर्द हो रहा है? खांसी बहुत हो रही है। खांसी क्या कह रहे डॉक्टर? डॉक्टर क्या कह रहे? नेबुलाइज हुआ है, 3 बार दवाई दी है। अच्छा, बाकी का बच्चे क्या होगा? परेशान हो रही है? कोई बात, ठीक हो जाएगी, टेंशन मत ले, ठीक है? हो जाएगा, मैं यही हूँ। क्या कह रहे डॉक्टर? क्या कह रहे बेटी? क्या हुआ? हो पायल क्या हुआ? टांगों में दर्द हो रहा है। होता ही है, होता ही है। माँ बाप वो पति आदमी को फील तो होता ही। आज मैं होता पायल आते मैं भी, मेरा भी फील हो जाता है ये वाला। बेटी ओ बंदरू, दर्द हो रही है? क्या कह रहे डॉक्टर? क्या कह रहे मम्मी? हर 2 घंटे बस वो कह रहे दवाई दी है और क्या कह रहे अपने आप। अभी बेटी पता है लड़की कल देंगे। अच्छा हाँ, वो कह रहे थोड़ी सी वीक है तो हम एक दिन और रखेंगे। तो मैंने बोला है कि कोई बात नहीं, एक दिन दो दिन रख लो, मगर बिल्कुल तसल्ली से। हाँ, मिली लड़की से? मिली हमारी नहीं, नहीं मिली। चलो कोई बात, मिल क्या मैं कितनी देर होगी? खिचड़ी लेके आ रही मिलने। मैं जा रहा हूँ फिर, लेके आता हूँ उसको। मैं कुछ खा लेता हूँ, भूख लगी मैंने। ठीक है जाओ, मैं थोड़ी देर वर्कआउट भी कर लूंगा, है ना? अभी इस टाइम कार्डियो कर लूंगा। कितनी हो रही है बताए? अरे बाहर तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, कैसे लग रहा है पता तेरे को? ये क्यों लगा रखा तूने? पायल को मिलवा के लाऊंगा तूबा से, ले चलूं? चल तूबा से मिलने। चलो जंप मार के खड़ी हो गया। क्या हो सकता है यहाँ? खांसी से जान निकल रही है, अब जंप की बात कर रहे हो? मम्मी को कैसे जंप मार के खड़ा होना? हाँ तो भैया अभी हम जाने तूबा से मिलने के लिए। हाँ क्या हुआ? आपका फोन बज रहा है। रेडी हो गया और बिल्कुल मटक मटक के चलेंगे। मैं और पायल, रुक जा बेटा, इतनी फास्ट मत भाग, ऑपरेशन हुआ है। चले क्या? चल रहे हैं आराम से। चल सपना, बच्चे को साथ रहने आ रहा हूँ। भैया पायल को हमारा हम आराम से लेके जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। पायल लिफ्ट से जाएगी। वैसे आपको पता है ये जगह हमारे खाली है? पता लगा था मुझे। थोड़ा सांस ले ले। हाँ भाई क्या हाल है सबके? सब ठीक ठाक है? देख रहे भैया चांद सा चेहरा फूल गया। फूल गया मैं जान बच्चों को दिखाएंगे हम। मम्मी ऑपरेशन उठ के मिलने आए। हाँ जी चलो, वह लड़की से मिलवाओ, हमारी सारी सेवा ये करते हैं बच्चों की। मिलाई है अभी, चप्पल पहन। चलो पाल तो कह रही थी मैं 2-4 घंटे यहीं रह लेती हूँ, मैं खड़ा रहना पड़ेगा, फिर मैं इसको ले आऊँ बाहर। चलो एक मिनट इनको। हाँ जी हाँ जी, चलो भी आ जाओ आ जाओ। ये पायल की पूरी सेवा हो रखी है, देख रहे हो? फुल सेवा होती है पायल की। जितने लोग हैं ना बहुत प्यार करते हैं पायल से, आप लोग तो हैं ही हैं, उसके बाद भी नहीं। ओके रिपोर्ट। हाँ जी सर। मैडम बोल रही है नर्स की इतनी जल्दी नहीं चलते, इतनी हवा में मत उड़ो, आपका ऑपरेशन हुआ है, याद दिला रहे हैं आपको। चीकू क्या कर रहे तू? पर्स वर्स रखता है मेरे साथ, माचिस की जगह लाइटर रखता है। अच्छा ऐसे माचिस रखनी होती है ना, माचिस लहसुन ये सब तिल्ली विल्ली, मेरे पास माचिस नहीं है तो लाइटर रखता है मेरे पास। और कोई देखेगा तो कहेगा ये सिगरेट, देखो चॉकलेट की तरह है ना, चलता नहीं लेकिन आग नहीं है इसमें। चल पायल का तो दिल नहीं कर रहा था, कह रही थी 1 घंटा मैं वहीं रहूंगी, थोड़ा ऊपर हो जा। एक मिनट। कैसी लग रही थी पायल? कैसी, ठीक है लड़की? मैंने पहचान ली थी, ये कह रहे टास्क की तरह ढूंढ कौन सी है लड़की। कैसी पता चला? वहाँ पे ना 5-6 बच्चे और भी थे तो मैंने उनको दिखाया ना अपनी तरफ कैमरा किया। हाँ। मतलब बता नहीं तेरा बच्चा हूँ। तो ये चारों तरफ घूमी फिर लास्ट में वहीं रुकी, रुकने के बाद बोली ये मेरा है, उसके बाद एक पर्ची लेके हुई थी यहाँ, कह रही ये भी देखो ये भी मेरा ही, इसको मना कर रहा हूँ ये नहीं है ये नहीं है, फिर ये पहचान नहीं। अच्छा माँ तो अपने बेटे बेटी को तुरंत पहचान लेती है 1 सेकंड के अंदर। पर कैसी थी, नाजुक थी, कैसी हो रही है? सही है वो, बस थोड़ा सा वेट कम है और कोई दिक्कत नहीं है उसको, थोड़ा सा वेट कम है। इसकी जैसी लग रही है मुझे, सेम है ना जुड़वा ना, सेम है ना जुड़वा ना, इसलिए थोड़ा ठीक है।
ये प्रेगनेंसी थी ना पल, तब से तेरे को अभी दो तीन महीने से खांसी होने लगी थी ना, ये मुझे लग रहा तू जो आइसक्रीम खाती थी ना छुप छुप के उसकी वजह से ना। सच बताइए तू और गोलू खाते थे ना, शर्म नहीं आती थी? एक बार आपने भी खिलाई थी तो वो तो तू मांग रही थी ना, मेरी क्या गलती है, तुम जो मांगते मैं देता हूँ लाके। और जिस दिन यहाँ आई उसके एक दिन पहले भी खाई थी, पर नेवलज भी किया था अपने आप को करके। मैं कहा आपने बैट सही बनवा दिया बड़े वाला, सारे बच्चे लाइन वाइज सो जाएंगे। रोल ही नहीं है, नहीं आपका तो रोल था ही नहीं। मैं अपना नीचे नीचे इधर उधर कहीं सो जाया करूंगा। नहीं हाँ भाई आयान क्या हो रहा है बेटी? हाँ जी सो रहे। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि गोलू भी आ गई है और सब खाना वाना खा रहे हैं, तो यहीं से हम कंटिन्यू रखते हैं दूसरा व्लॉग। खुशियाँ ही खुशियाँ देखो चारों ओर फैली धूप के।